एक लेब्रा में बहुत सारा एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि बॉक्स फेस, एप्पल फेस, छोटी पूछ, बड़ी पूछ, अमेरिकन और ब्रिटिश कह लो, या इसमें क्या फर्क है, आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा? तो सबसे सस्ता हॉस्टल यहाँ पर है और सबसे ज्यादा नॉलेज वाला जे लेब्राडोर के बारे में, जो तीखे बातें कही लेकिन फैक्ट सच्चाई कही, तो वो जी इसको बार बार एप्पल फेस रिंकल्स वाला बच्चा, और एक पीछे वो है ये गाइस चॉकलेट कलर। बोला शोला के नाम से हमारे लगभग 10 फ्रेंचाइजी स्टोर ऑल ओवर इंडिया है। हमारी ऐप है भोला शोला के नाम से, आईफोन और एंड्रॉइड फोन दोनों पर अवेलेबल है। एंड www.bholashola.com के नाम से हमारी वेबसाइट है, प्लीज शॉप देयर। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर पहले नाम बताइए अपना। मेरा नाम आशु है जी और इसका नाम रियो है। रियो। आशु सर कहाँ से हो? मैं लुधियाना से हूँ जी। लुधियाना से। इसके बारे में पहले बताइए जी, ब्यूटी के बारे में। ये लेब्राडोर है जी, 18 मंथ का डॉग है। okay. और ये 11 कंट्री चैंपियन डॉग है, ट्विन 10 उसका ग्रैंडसन है। तो ये इसका जस्ट थर्ड शो ही है, तो थर्ड शो में इसने सीसी ली है और आरबीओ भी लिया है। ओके गाइस ये देखिए सोना। और बताइए सर, बहुत सारे लोग इस ब्रीड को जब लेना पसंद करते हैं, बट आजकल जो थोड़ा सिक्योरिटी साइड को चीज हो जाती है, लेब्राडोर के साथ एक मिथ जुड़ा हुआ है या कह लो एक चीज जुड़ी हुई है कि ये भौंकते बिल्कुल नहीं है। तो वह एक तो वैसे भी दो प्रकार के लैब होते हैं, अमेरिकन एंड ब्रिटिश। जी, ये दोनों एक ही जैसे हैं या कुछ कोई थोड़ा बहुत बार्किंग करता है? नहीं, एक्चुअली क्या है कि अगर पहले आप लेब्राडोर की बात कर रहे हैं तो ब्रिटिश लेब्राडोर आपके सामने है, ब्रॉड स्ट्रक्चर इसका, ब्रॉड हेड है, ठीक है जी। और अमेरिकन के केस में आपको हेड छोटा मिलेगा और विथ विस की कम मिलेगी, ठीक है जी। और रही बात बार्किंग की, आपको कम बार्किंग करने वाले डॉग जर्मन शेफर्ड में भी मिल जाएंगे। बिल्कुल होता है। बेसिकली ये टेम्परामेंट की प्रॉब्लम है, इसी को कहते हैं कि जो आपने पपी लेना है ना एक अच्छे ब्रीडर से लो, क्योंकि वो टेम्परामेंट को देखकर भी ब्रीड करता है। तो ये हम जो कहते हैं ना कि लेबर्ड घर में चोर आया और लेबर्ड तिजोरी दिखाकर आएगा, ऐसा तो ये बेसिकली होते ही इसी वजह से है, क्योंकि टेम्परामेंट को भी ब्रीड किया जाता है। ठीक है। 10 या 15 वाले जो होते हैं ना, इसमें डेफिनेटली बहुत फर्क है। अब आप देख लीजिए, जर्मन शेफर्ड ऐसे भी हैं जो भौंकते बहुत है, पर वही जर्मन शेफर्ड को आप 10 कुत्तों के बीच में खड़ा कर लीजिए, उनकी पूंछ टांगों के बीच में आ जाएगी। अब ये शो डॉग्स जितने भी हैं ये भौंकेंगे कम, 10 कुत्तों के बीच में खड़ा कर दीजिए, इनकी पूंछ कभी टांगों के बीच में नहीं आएगी। दैट इज ए कॉन्फिडेंस। ओके, तो ये मतलब ये कि काउंटर है, कॉन्फिडेंस के मामले में ये विनर है हर शो डॉग। इसी को तो कहते हैं कि उसके कैरेक्टर्स इंटरनल भी निकल कर आने चाहिए। ओके सर, थोड़ा बताइए कि अमेरिकन लैब या ब्रिटिश लैब, आप अगर जैसे आपने कहा कि ये ब्रिटिश है, उसकी कदकाठी भी ज्यादा बड़ी होती है? डेफिनेटली, क्योंकि एक्चुअली कदकाठी का इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जो पड़ता है वो ब्रॉडनेस का पड़ता है। हेड ब्रॉड मिलेगा आपको ब्रिटिश लाइन में, ठीक है जी, और अमेरिकन में ये नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड तो सेम ही रहेगा, जो हाइट का स्टैंडर्ड है वो तो सेम ही रहेगा, ठीक है जी, पर ब्रॉडनेस का डिफरेंस बहुत मिलेगा। मैं इसलिए पूछता हूँ कि जब भी कोई बच्चे, ज्यादातर बच्चे लेब्राडोर लेना पसंद करते हैं, वो हमेशा वो ना 2-3 वर्ड्स होते हैं, बॉक्स फेस, एप्पल फेस, लंबे कान, लिप्स आगे से जो जॉग से नीचे जैसे कि इसमें देख सकता हूँ मैं, तो वो फिर उस साथ में एक और वर्ड्स भी जोड़ सकते हैं जो हाइट में ऊंचा हो, मेरे को वो लेब्रा चाहिए। सर वो दैट इज अ लैक ऑफ नॉलेज। ओके, वो इंफॉर्मेशन की कमी, लैक ऑफ नॉलेज। इसी के लिए हम कहते हैं कि अच्छे ब्रीडर से लीजिए या फिर अपने किसी अच्छे डॉक्टर से, या कोई ट्रस्टेड पर्सन है, क्योंकि वो उसको ब्रीड का सारा पता है, वो आपको सारा गाइड करेगा। एक्चुअली आजकल गूगल बाबा चला हुआ है, तो हर कोई गूगल बाबा के ऊपर जाता है, अपनी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो वहां से कलेक्ट करता है, तो उसी हिसाब से वो बात करेगा आपसे। तो मैंने देखे ऐसे कि बहुत चीजें होती है, जो जितना ज्यादा स्मार्ट बनते हैं उनको उतना बड़ा चूना लगता है। ठीक है, तो गाइस इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही हैं, चुभेगी जरूर लेकिन वो है, फैक्ट है, सच्चाई है। सर अपनी लोकेशन बताइए एक बार दोबारा। मेरी लोकेशन जी लुधियाना है जी। हाँ जी। तो मेरे पास लेब्राडोर है और लॉन्ग कोट जर्मन शेफर्ड है। तो ये मेरे ट्रेनर है प्रवीण भाई, प्रवीण। तो मेरे जितने भी डॉग्स हैं ये उनके हैंडलर हैं और ये प्रोफेशनल ट्रेनर भी हैं। और लास्ट इनको जो है यूनिवर्सिटी में बेस्ट हैंडलर का अवार्ड भी मिला है। ओके सर, वेरी गुड। वैसे एड्रेस लेना, कांग्रेचुलेशन। एड्रेस लेना चाहते हो तो आप इनका लीजिए।
हाँ जी सर, रेस्ट दीजिए। हमारा हॉस्टलिंग भी करते हो, हॉस्टल भी करते हो डॉग को? डॉग हॉस्टल कुछ आइडिया दे पाओगे कि अगर मान लिया लैब्राडोर ही 24 घंटे के लिए या 7 दिन के लिए छोड़ना है तो क्या चार्ज है? विद फूड? विद फूड 200 पर डे। गाइस ये सबसे सस्ता हॉस्टल है, मैं भी यही सोच रहा हूँ। सबसे सस्ता हॉस्टल। सर आप अपना एक बार कॉन्टेक्ट नंबर जरूर बताइए। मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है जी 9780058826। ओके गाइस, लैब्राडोर के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन, पप्स या कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो ये जनाब है। स्टड सर्विस भी अवेलेबल है हमारे पास, अभी इसको स्टार्ट नहीं किया हमने। ओके, क्या ये जो आपने बताया दोबारा रिपीट है? 18 मंथ्स की है गाइस, 18 मंथ। लेकिन यहाँ तो स्टार्ट कर देनी चाहिए लगभग। नहीं, मैंने खुद ही रोक कर रखा है। चलो, तो सबसे सस्ता हॉस्टल यहाँ पर है और सबसे ज्यादा नॉलेज वाला जो लैब्राडोर के बारे में, जो तीखे बातें कही लेकिन फैक्ट सच्चाई कही, तो वो ये है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू भाई। लोग बैठा है, क्वालिटी लैब्राडोर। और ये है सर का कैनल, और जिसको बार बार एप्पल फेस रिंकस वाला बच्चा, और एक पीछे वो है चॉकलेट कलर। नाम बताइए अपना। मेरा नाम मनु संधु है, अपने नाल अपने ब्रदर ही है, अपना गोपी समरा फ्रॉम रोज कैनल। ओके जी जी, तो ये पूरी टीम है आपकी? अपनी सारी टीम जी। ठीक है, लोकेशन पहले बताइए सर, ये रोज कैनल है कहाँ? एक्चुअली कस्टमर नु काफी डाउट अपना, तीन जगह सेट पेगा वा, चंडियाला गुरु नियर बोर्ड अमृतसर, उस तो बाद एकलगड्डा, ते दूसरा हैगी इधर बॉर्डर ते पिखी पिंड लागे पिंड अपना वीरम पिखी पिंड एरिया। और ये तीनों आप ही क्या नेटवर्क है? एक ही, हां हम ही चला रहे हैं जी। आपके पास लैब के अलावा और भी कोई ब्रीड होती है? नहीं, स्पेशली सारी लैब की ब्रीडिंग करते हैं, और कोई डॉग नहीं हमारे पास। आप, मैंने वो सबसे यूनिक देखा चॉकलेट कलर जी, उसका क्या प्राइस है? चॉकलेट कलर ऐसे नॉर्मल जो प्राइस स्टार्ट होता है 15,000 स्टार्ट होता है, 15-20-25 एज पर क्वालिटी कॉम्बिनेशन और क्वालिटी जी। तो ये जो ये क्या, कौन सी इसका नाम क्या है और क्या एज है? ये हमारी ब्रीडिंग का डॉग है, इसका नाम हीरो है, जो हमारा स्टार अट्रैक्शन और कैनल मिस्टर हीरो। ठीक है, इसकी एज अभी 3.5 ईयर अराउंड है इसकी, ये हमारी ब्रीडिंग का बच्चा है। ओके, इसकी स्टड सर्विस भी अवेलेबल है? जी जी। उसका आप क्या चार्ज करते हो? इसका एक्चुअली अभी जो फिलहाल पिछले 2-3 मंथ से इसका फिक्स 50,000 किया है मेटिंग चार्जेस। पहले पपी पे भी दी थी मीटिंग, बच्चे पे भी दी थी कैश भी, लेकिन अभी जो फिक्स 50,000 की है। 50,000 जी। और जो मैं चॉकलेट कलर पीछे देख रहा हूँ, वो मेल है या फीमेल? जो चॉकलेट वाला विलन है, विलन, उसका एज क्या है? उसका 2-2.5 साल के अराउंड है इसका। उसकी जो डॉटर है उसके साथ, कुछ डॉटर जी। उसकी स्टड सर्विस का क्या चार्ज है चॉकलेट कलर की? उसका भी 25 है। उसका 25 जी। इसका हीरो का सन है ये? हीरो बाबू। इसका नाम क्या है? इसका नाम बाबू है। बाबू ये इसकी एज क्या है सर? इसकी 2 साल के राउंड है। 2 साल, तो इसकी भी स्टड सर्विस जी जी। इसका क्या चार्ज अलग? इसका पपी भी छोड़ते हैं, अच्छी फीमेल होगी ठीक है, और उसके अलावा 25,000 इसका। 25,000 अदरवाइज अगर फीमेल अच्छी होगी, अच्छी होगी तो हाँ पपी पे डील कर सकते हैं। ये तीनों ही ब्रांचों के कोई कॉन्टेक्ट नंबर मिल जाएंगे सर? ये पीछे लिखा हुआ है। ओके गाइस, ये नंबर है तीनों इनके ब्रांचों के। पहले ये गोपी सर का नंबर है, फिर ये मनु है, एंड फिर डॉक्टर साहब ये। ये रोज इनके पेज है, इनको फॉलो कीजिए गाइस, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए जरूर। और अगर आप, तो गाइस अगर आपको लैब्राडोर सुपर डुपर क्वालिटी एंड स्पेशली चॉकलेट कलर में चाहिए तो ये पूरी टीम है इनकी, इनके साथ आप संपर्क कर सकते हो। थैंक यू। नमस्कार सर। नमस्कार। कहाँ से सर आए? अलीगढ़ से भाजी। अलीगढ़ से। एक तो मैंने वो ग्रेडन के बारे में अभी बात की। हाँ भाई है मेरा वो। अभी बताइए ये लैब्राडोर की आपके पास कौन सी लाइन है या इसका कुछ बताइए ब्रीड के बारे ये में। ये मेरी होम ब्रीडिंग की फीमेल है, इसका जो फादर है वो कुंफू साउथ लेमिनस है, और इसकी जो मदर है वो बिंगो डॉटर है, केवल कृष्ण जी के यहाँ की है। ठीक है।
क्या एज है इस फीमेल की? इसकी एज है 15 महीने। मेजर प्लीज कम टू रिंग नंबर 2 जिनेवी मेजर। सर एक मेरे को बताइए कि लेब्रा में बहुत सारा एक क्वेश्चन होता है हमेशा कि बॉक्स फेस, एप्पल फेस, छोटी पूछ, बड़ी पूछ, अमेरिकन और ब्रिटिश कह लो, यहाँ इसमें क्या फर्क है, आपका क्या इसमें एक्सपीरियंस रहा? सर देखिए ये बेसिकली यूरोपियन लाइन है, यूरोपियन ब्लड लाइन है। हाँ। और जो टाइप है वो प्रॉपर अमेरिकन है। ठीक है। मजा और ये हेड बहुत बड़ा नहीं है, वर्किंग टाइप के डॉग रहते बेसिकली, और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। रिंग नंबर 2 के आ जाइए, अदरवाइज मार्क लेफ्ट साइड। 21 इंची हाइट होनी चाहिए फीमेल की। मजल साइज स्टॉपर इक्विवेलेंट होना चाहिए। ओके। ये चीज और इसके हेड की इक्विवेलेंट होना चाहिए, ये लेंथ नहीं होनी चाहिए। अच्छा, और यहाँ से लेकर और फिर हाँ ये चीज बराबर होनी चाहिए। ओके। ऑल ग्रेडर प्लीज कम टू रिंग नंबर 2, ग्रेडर वाले रिंग में आ जाएंगे। और कुछ बताइए कि अमेरिकन में और ब्रिटिश में क्या फर्क होता है? अमेरिकन इंग्लिश में एक तो साइज का फर्क रहता है, वो थोड़ा अबाउट रहता है और उसके थोड़ा मस्कुलर रहता है, ये वर्किंग रहते हैं जो ओरिजिनल ब्रीड थी पुरानी वाली। ठीक है। इसका मतलब कहने का मतलब कि अमेरिकन जो है वो जल्दी वेट पुट ऑन कर लेंगे, लेजी रहेंगे, लेकिन ये वर्किंग डॉग में रहेगा। हाँ, ये वर्किंग में रहेगा। और वो जो डॉग जो है उसमें क्या होता है वो थोड़े से स्किन लूज रहती है उनकी। ठीक है। और ये बिल्कुल ये टाइट बॉडी के रहते हैं, एनर्जेटिक रहते हैं पूरा। आपके पास इसके पपीज अगर हो या आपके पास लेब्रा के वैसे होते हैं, तो अगर किसी ने कोई लेब्रा के इन्फॉर्मेशन लेनी हो या पप्पी से है तो आपका कॉन्टेक्ट नंबर 9759916050। ओके, थैंक यू वेरी मच सर।